नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, पूरा वीडियो देख लीजिए। आज की सबसे बड़ी अपडेट है कोरोना अपडेट। भारत में अभी तक 3577 संक्रमित पाए गए हैं, 83 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में 500 पार हो चुका है आंकड़ा। विश्व में 12,58,090 संक्रमित हैं, 68,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर। अमेरिका सबसे आगे है, 3,28,663 संक्रमित हो चुके हैं अमेरिका में, 9,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जी हाँ, पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमित हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है ब्रिटिश से। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे सभी मंत्रियों के साथ करने वाले हैं बड़ी बैठक, ले सकते हैं कई अहम निर्णय। 12 बजे के बाद अपडेट मिलेगी आपको। अगर आपने जीवन बीमा करा रखा है और प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो आपको मोहलत मिल गई है आने वाले 30 दिनों के लिए। आपको मोहलत मिल गई है, 30 दिन के बाद ही आप इसका प्रीमियम जमा कर सकते हैं, बड़ी अपडेट। उसके बाद 3 अप्रैल से 3 माह की फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल धारक, यानी कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, आने वाले 3 महीने तक कोई भी बच्चे की स्कूल फीस नहीं ली जाएगी। बड़ी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। स्वयं प्रभा पोर्टल पर लाइव पढ़ाई करेंगे केवी के छात्र। जी हाँ, स्वयं प्रभा पोर्टल पर एक लाइव आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको दिख रहे होंगे विभिन्न वेबसाइट्स और यूट्यूब के लिंक हैं, इस पर जाकर आप लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और यहाँ पर अब आप ऑनलाइन सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं www.supplymitra.up.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप हर तरह के सामान की खरीदारी कर सकते हैं, और ये कोरोना के चलते इस वेबसाइट का प्रारंभ किया गया है, जिस पे आज से आप इस पे कर सकते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं, पूरी जानकारी के लेटर देखें। निशंक बोले स्कूल में पढ़ाई पर 14 अप्रैल के बाद फैसला लेंगे। जी हाँ, निशंक HRD मंत्री ने कह दिया है कि 14 अप्रैल के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि भारत के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, स्थिति को देखते हुए निर्णय होगा। यूपी में लॉकडाउन 15 से खोलने की तैयारी कर रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुल सकता है, ऐसा उन्होंने कल संकेत दिया है। विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ उन्होंने बातें की हैं, तो उसमें ये संकेत दिए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है कि चरणबद्ध तरीके से 15 अप्रैल के बाद वो लॉकडाउन खोल सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जो जिले हैं वो एक साथ नहीं खोले जाएंगे, एक एक करके खोले जाएंगे। स्थिति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खुल सकता है। उसके बाद CBSE 9वीं 11वीं में खराब प्रदर्शन करने वाले जो बच्चे हैं, उनका दोबारा से टेस्ट ले सकती है, ऐसा CBSE ने संकेत दिया है कि जरूरी नहीं कि उनको पास कर दिया जाए, उनका दोबारा हम टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद अपडेट आ रही है यूपी के पंचायत चुनावों पर भी कोरोना वायरस का, कोरोना संक्रमण का असर पड़ चुका है। जी हाँ, क्योंकि ये चुनाव लगभग रद्द कर दिए गए हैं, और इनमें अगली तारीखें आपको मिल जाएंगी दिसंबर तक। अब यहाँ पर अपडेट आ रही है पैसे की, अगर तंगी है तो आप PF खाते से कर सकते हैं आपात निकासी। कोरोना के चलते भारत सरकार के द्वारा पहले ही ये निर्णय लिया जा चुका है, कम ब्याज दर के साथ आप अपने PF खाते से पैसे को निकाल सकते हैं, बड़ी अपडेट है। दियों संग कोरोना से मुक्ति की दुआ कर, यहाँ पर कल रात 9:09 के लिए पूरे भारत ने दिए जलाए हैं, और इसी की यहाँ पर फोटो आप देख पा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू होंगे विकास के कार्य, जैसे कि जो विकास के कार्य हैं भारत में विभिन्न प्रकार के गृह कर या अन्य कार्य, वो सभी शुरू कर दिए जाएंगे लॉकडाउन के बाद। राहत है, जनधन खातों के जरिए 32.83 लाख महिलाओं तक पहुंचेगी रकम। जी हाँ, जनधन जिनके पास खाते हैं महिलाओं के, उन सभी के खाते में 500 रुपये सरकार दे रही है इस समय। नाई दर्जी जैसे जो कामगार हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र करेगी, चाहे वो नाई हो, दर्जी हो,
कोई अन्य इसी तरह का कार्य करते हैं उन सभी के खाते में 1,000 रुपये भेजने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने। बड़ी अपडेट है ये, आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा